हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की डेट में हम यहाँ पर दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, ओके, अंबर इंटरप्राइजेज और रूट मोबाइल, दोनों से रिलेटेड बातें करेंगे और वो दोनों में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। कहाँ तक गिर सकते हैं उससे रिलेटेड बातें करेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे, ओके, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर अटके हुए। और हम आज एक स्टडी करने वाले हैं कि मार्केट में जिस तरह की गिरावट हुई है, ओके, उस गिरावट में अगर मैं आपको एक दिक्कत यहाँ पर पोर्टफोलियो दिखाऊं जिनका नाम है यहाँ पर विजाकेडिया नेटवर्थ हिस्ट्री, इनकी हिस्ट्री दिखाऊं तो आपको भी ताज्जुब होगा कि हाँ किस तरीके से वेल्थ आती है, किस तरीके से वेल्थ जाती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम पेशेंटली वेट करते हैं तो याद रखिए एक बेहतरीन यहाँ पर आपको पैसा मिलता हुआ नजर आता है। तो उससे रिलेटेड हम पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टॉक्स और उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो मैं आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और इन नंबर पे आप चाहे तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कल हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपसे पूछा था कि इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक अ लाइव सेशन, ओके, ऑन अ डेली बेसिस, तो आप बताइए। तो किसी का भी जवाब नहीं आया, आई थिंक किसी को जरूरत नहीं है, इट्स ओके, फाइन, तो हम वीडियो बनाएंगे, ओके, एंड कभी जरूरत पड़े तो प्लीज यहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए विजय किशन लाल केडिया नेटवर्थ हिस्ट्री पे हम जाते हैं और यहाँ पर अगर मैं आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा ग्राफ है, ओके, और 2015 से यहाँ पर इनकी हिस्ट्री दे रखी है। तो ये तो सबको पता है कि इन्होंने किस तरीके से 30,000 रुपीज से शुरुआत करी थी एंड नाउ ही इज अ वेल्दी पर्सन जिनके पास लगभग, अगर बात करें मैं 2022 में इनके स्टॉक्स की वैल्यू की बात करें तो लगभग 482 करोड़ रुपीज के यहाँ पर इनके पास स्टॉक्स है। तो अभी की और हम यहाँ पर देखते हैं मार्च 2016 में इनके पास 177 मतलब 177.189 करोड़ रुपीज की यहाँ पर नेटवर्थ थी, ओके, फिर वो किस तरीके से यहाँ पर ओवर अ ईयर एक साल के अंदर अंदर, बल्कि एक साल भी नहीं कहेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर किस तरीके से यहाँ पर इनकी वेल्थ लगभग डबल होती हुई दिखाई दी, ओके, लगभग 355.12% होती हुई दिखाई दी। तो किस तरीके से वेल्थ कितनी जल्दी यहाँ पर बन भी जाती है और बनने के बाद एक साथ चली भी जाती है वो यहाँ पर आपको पता चलेगा, एक समावेश पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 महीने में किस तरीके से वेल्थ इकट्ठी हुई, डबल होती हुई दिखाई दी इनकी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 355 करोड़ रुपीज, यहाँ पर 319 करोड़ रुपीज कुछ महीनों के, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर कितने करोड़ रुपए इन्होंने खो भी दिए। इसके बाद अगर हम बात करें 2016 की, तो 2016 में इनकी 319 दिसंबर में 319 करोड़ रुपीज के आसपास की यहाँ पर वेल्थ थी, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें एक साल के अंदर अंदर 399 करोड़ की वेल्थ इनकी 496 करोड़ की, लगभग 500 करोड़ की यहाँ पर वेल्थ बनती हुई दिखाई दी। तो देखिए इन्होंने इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए कभी भी इन्होंने बेचने की नहीं सोची, इनके पास जो था इन्होंने पेशेंटली वेट किया, ओके, चाहे वो यहाँ पर अगर अच्छी खासी गिरावट हुई हो या फिर चाहे अच्छा खासा इन्हें प्रॉफिट हुआ हो, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली बात है मोस्टली लोग यहाँ पर बुक करते ही करते हैं, वो हम सबको करना चाहिए। बट अगर हम देखा जाए वेल्थ में किस तरीके से एक साथ ही कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर जंप और इस आता हुआ दिखाई देता है अगर हम टाइमली वेट करते हैं तो। इसके बाद अगर देखें दिसंबर 2017 से कोविड के टाइम की 2020 में, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर लगभग 500 करोड़ की वेल्थ थी दिसंबर 2017 में, और अगर हम यहाँ पर मार्च में जून 2020 में देखते हैं तो वो वेल्थ इनकी 500 करोड़ की वेल्थ लगभग 200 करोड़ के आसपास की रह गई, 195.36 करोड़ की वेल्थ रह गई। तो यहाँ पर देखिए लगभग 300 करोड़ रुपए इन्होंने खोए, 300 करोड़ रुपए खोए, स्टिल अभी भी वो उस टाइम आए जिस तरीके से उनके इंटरव्यू आ रहे थे हम देख रहे थे, किसी तरीके का कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में एक लंबे टाइम से थे, सो ही नोज द मार्केट वेरी वेल कि हाँ आज इनकी वेल्थ कम हुई है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ेगी, सो ही वॉज श्योर अबाउट दैट। तो उन्होंने अपनी रातों की नींद खराब नहीं करी, ओके, ही नेवर डिस्ट्रॉय हिज स्लीप एट नाइट, अगर बात करें कोई ऐसी स्लीपलेस नाइट उन्होंने यहाँ पर स्पेंड नहीं करी। तो यहाँ पर देखिए 2015 में जो वेल्थ थी यहाँ पर 177 करोड़ की, लगभग वहीं पर ही आके 5 साल के अंदर अंदर वहीं पर ही आके रह गई। अगर आप और हम जैसे लोग होते तो शायद यहाँ पर हम बेच के चले जाते कि मार्केट ने किस 5 साल में हमें कितना दिया, कुछ भी नहीं दिया, केवल कुछ करोड़ रुपए यहाँ पर इन्हें देते हुए नजर आए। तो इस तरीके से हम यहाँ
पर छोड़ के चले जाते, बट ही नेवर डिड दैट। और अगर हम देखें उसके बाद ओवर अ ईयर, अगर एक साल के अंदर अंदर हम देखें तो जो जून 2020 में 195 करोड़ की यहाँ पर इनकी जो वेल्थ थी, वो यहाँ पर सितंबर 2021 में 614 करोड़ रुपए की वेल्थ हो गई। लगभग लगभग दो तीन गुना यहाँ पर इनकी वेल्थ, यहाँ पर 3 times यहाँ पर इनकी वेल्थ क्रिएट होती हुई दिखाई दी। तो इसलिए कहते हैं कि मार्केट में जो जितना लंबा खेलता है ओके, और जो इन अप्स एंड डाउन्स को यहाँ पर बिल्कुल नहीं डरता, उनके पास हमेशा वेल्थ रहती है। अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए सितंबर 2021 में 614 करोड़ की इनकी वेल्थ थी, बट अगेन जब यहाँ पर अभी मार्केट में गिरावट हो रही है, यहाँ पर सारे के सारे स्टॉक गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके गिर रहे हैं, मेरे गिर रहे हैं, हर एक किसी के गिर रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इनकी 614 करोड़ की वेल्थ कितनी रह गई, अगेन अगर हम देखते हैं तो 434 करोड़, लगभग 200 करोड़ के आसपास की वेल्थ, 180 करोड़ रुपीज़ के आसपास की वेल्थ इनकी अभी तक यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई दी। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो लगभग कितने 16% की यहाँ पर गिरावट देखी गई थी। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद दोबारा यहाँ पर, तो अभी जब मार्केट रिकवर हो रही है तो इनकी भी वेल्थ रिकवर हो रही है, जो कि लगभग 500 करोड़ रुपीज़ के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि यहाँ पर सब कुछ सही होने वाला है, इंडिया में ग्रोथ स्टोरी काफी बेहतरीन है, जब आप वेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वेल्थ यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक दो चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले जब आपको यहाँ पर इस तरीके की वेल्थ क्रिएट होती है ओके, जब इस तरीके की वेल्थ क्रिएट होती है, ऑब्वियस सी बात है हम सब एक इंसान है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हम और सेल्फिश हो जाते हैं कि हाँ और भागेगी और भागेगी और भागेगी और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। अगर जिसका विजन बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस वेट करना है, पैसा मिलता रहेगा, डिविडेंड से पैसा आता रहेगा, तो वो एक अलग बात है। बट स्टिल अगर आप यहाँ पर जब इस तरीके से आपको मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी मिल रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उन्होंने भी किया होगा, नो डाउट होके ही इज अ जीनियस। बट अगर हम बात करें ऐसी इन्वेस्ट का मतलब, जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा पैसा बन रहा था, बनने के बाद हम अगर थोड़ा सा साइड में रख के नीचे जब मार्केट आई उस टाइम हम यहाँ पर डालते तो शायद वो उसमें और भी ज्यादा हमारा ये जो ये लेवल दिख रहा है उससे भी ज्यादा हमें और पैसा मिलता हुआ दिखाई देता। तो ये कहने का मतलब है कि हमेशा ऊपर आने पर मार्केट जब दिखाई दे कि यहाँ पर गिर रहा है तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो वो किससे पता चलता है, वो चीजें पता चलती है यहाँ पर चार्ट पैटर्न के थ्रू। चार्ट पैटर्न सब बता देते हैं कि यहाँ पर क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा है, इसलिए स्टडी पे हमेशा जोर दीजिए, बिना चार्ट के कुछ नहीं होता ओके। न्यूज बेस पे यहाँ पर गिरावट और अपसाइड यहाँ पर दिखाई दे सकती है, बट हमें अगर लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा पैसा कमाना है तो चार्ट पैटर्न भी हमें आने चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल प्लस टेक्निकल जब दोनों मिल जाते हैं ना तो अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे दोनों स्टॉक से रिलेटेड, बट आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमें यहाँ पर सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंबर इंटरप्राइजेस में लगातार गिरावट है। अंबर इंटरप्राइजेस देखिए अभी जितने भी मार्केट में क्या हो रहा है कि जितने भी ओवर वैल्यूएशन के स्टॉक है सबको मार्केट यहां पर धो रही है और धो धो के ओके उसको उसे नीचे लेके आ रही है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री का पी लगभग 39.9 है, तो इसका 77 है। स्टिल यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग डबल के आसपास का यहाँ पर पी रेशो है ओके। तो यहाँ पर अभी भी एक अच्छी खासी गिरावट होने के चांसेस है, जो कि मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न के हिसाब से समझाऊंगा। और गिरावट क्यों है, गिरावट ऑब्वियसली इसी बात है, हम जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं बढ़िया आ रहे हैं, बेहतरीन आ रहे हैं, सेल्स यहाँ पर देखेंगे तो लगातार बढ़ रही है, बट साथ साथ उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से इनके मार्जिन पे इफेक्ट आ रहा है, जो मार्जिन यहाँ पर एक साल पहले 9% था, एक क्वार्टर पहले 8% था, वो 6% रह गया ओके। कंपनी प्रॉफिटेबल है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, बट यहाँ पर अगर देखें तो मार्जिन में कमी आ रही है। तो कंपनी बेकार है बिल्कुल भी नहीं है, देखिए ये हर एक कंपनी के साथ है। और याद रखिए ये जितनी भी कंपनियां हैं ओके, हर एक प्रोडक्ट के प्राइस हाइक कर रही है, याद रखिए। क्या मैं इस लाइन को बोल रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के, चाहे यहाँ पर HUL हो ओके, वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के यहाँ पर रेट हाइक कर रही है, एज वेल एज बात करें यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं सब यहाँ पर महंगाई की वजह से धीरे धीरे अपने प्राइस, जैसे सीमेंट कंपनी हो गई वो भी यहाँ पर अपने प्राइस हाइक कर रही है, बट रिजल्ट बेकार आ रहे हैं। बट
देखिए, जब यहाँ पर मार्केट रिकवर हो जाएगी, ओके, जब यहाँ पर ये इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, ये खत्म हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट यहाँ पर अपने जो अभी 2000 रुपए का आपको जो पेंट का डिब्बा मिल रहा होगा वो यहाँ पर महंगाई खत्म होने के बाद वो 1800 कर देंगे, नहीं, बल्कि अगर महंगाई बढ़ेगी और बढ़ाएंगे, और जब महंगाई कम हो जाएगी स्टिल उसका प्राइस 2100 रहेगा, तो इसके बाद क्या होगा कि जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बाद जब ये सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देगा, तो उसके बाद इनके अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट तो अभी भी है, बट इसके बाद मार्जिन भी बेहतर आएंगे, और कंपनी जब वेल्थ क्रिएट करती है ना, तब वेल्थ क्रिएट करेगी और एक साथ भागेगी, और इसलिए आपको अपने शेयर बेचने नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी के नंबर देखेंगे ना, बेहतरीन सेल्स है, बेहतरीन यहाँ पर नंबर है, हाईएस्ट एवर नंबर सारे हैं, बट मार्जिन के इफेक्ट है, इसलिए शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अंबर की बात करें, अंबर एक बेहतरीन सपोर्ट पे यहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर इस सपोर्ट्स को ये होल्ड कर लेता है और ऊपर की तरफ भाग जाता है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक इसका हर्डल है, इसे निकालना बहुत जरूरी है, फिर इसके बाद इसका हर्डल एक ये नजर आता है, इन हर्डल्स को अगर ये निकाल देता है तो यहाँ पर एक रैली होती दिखाई देगी, बट जिस तरीके के इसका पी रेशो है, मुझे नहीं लगता अभी और ज्यादा तेजी अभी होती हुई दिखाई देगी। अभी शेयर यहीं पर एक यहाँ पर होल्ड करेगा, ऊपर जाएगा, फिर गिरता हुआ नजर आएगा, और शायद यहाँ पर 2200 और 2000 के लेवल को भी ये टच कर सकता है, तो इसके लिए भी माइंड को प्रिपेयर रहिएगा। तो अगर कोई इसके आसपास किसी ने खरीदा है, तो ऊपर आने पर यहाँ पर सेल करके चले, ताकि नीचे आए चीजें तब यहाँ पर सस्ते में ले सके। तो अंबर इंटरप्राइजेस और हर एक शेयर में मेरी यही राय आपके लिए अभी बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे रूट मोबाइल की। रूट मोबाइल की बात करें, यहाँ पर अभी जो रिजल्ट आया है, ओके, कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप रिजल्ट देखेंगे, ओके, तो एक बेहतरीन रिजल्ट है, आज की डेट में रिजल्ट आया है, सब कुछ यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली सब कुछ, बट यहाँ पर क्या हो गया, अगेन यहाँ पर मार्जिन में इफेक्ट पड़ गया, जो यहाँ पर मार्जिन एक साल पहले 14% थे, वो यहाँ पर 9.9 समथिंग% के मार्जिन रह गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर, बट यहाँ पर कंपनी में कोई कोई फर्क है, देखिए FIIs बढ़ा रहे हैं, DIIs के पास भी है, पब्लिक के पास भी, प्रमोटर भी एज इट इज बने हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर देखिए पी रेशो यहाँ पर लगभग 51 का है, यहाँ पर बात करें तो अच्छा खासा पी रेशो है। ये गिरावट जो आज की डेट में हुई है लगभग 14% की, ये गिरावट इसे एक अच्छे खासे सपोर्ट पे ले आई है, और यहाँ पर पी रेशो भी कम होगा, और शायद थोड़ा सा और यहाँ पर ये शेयर गिर सकता है, और अगर ये शेयर यहाँ पर गिरता है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं, ओके, और यहाँ पर जब ये शेयर भागेगा तो अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए एक यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट नजर आता है, यहाँ पर एक लाइन होती है, ओके, यहाँ पर जब आप लाइन चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे ना चीज को, तो आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा था, तो यहाँ पर इस सपोर्ट को यहाँ पर टच करके, जैसे आज निफ्टी 50 ने क्या किया, निफ्टी 50 ने अपने सपोर्ट को यहाँ पर देखिए टच किया, ओके, और सॉरी रेजिस्टेंस को यहाँ पर टच किया, टच करके यहाँ पर नीचे आके गिर गया। इसी तरीके से क्या होगा, रूट मोबाइल भी यहाँ पर अपने सपोर्ट को यहाँ पर इसने टच किया, ओके, और टच करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया, तो इसके लिए ये दो जो है ये बेहतरीन सपोर्ट नजर आते हैं, यहाँ तक होल्ड करता है अच्छी बात है, बट अगर गिरावट होती है तो याद रखिए ये शेयर थोड़ा सा यहाँ पर मेरे हिसाब से 1200 का लेवल यहाँ पर टच कर सकता है, और 900 तक के लेवल को भी यहाँ पर दिखा सकता है, जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट हुई है। बट अब क्या ये खराब हो गया शेयर? नहीं खराब हुआ, काफी बेहतरीन शेयर है, 33 और 28% के ROC ROE कहीं नहीं मिलते, और वो भी स्मॉल कैप कंपनी में जब मिल जाए ना, तो ऐसे शेयर मल्टीबैगर बन के निकलते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये सारे लेवल को क्रॉस करके निकलेगा तो ये शेयर अच्छा खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर हो सकता है और फॉर अ क्वार्टर और फॉर अ टू क्वार्टर, बट यहाँ पर जब ये चीजें ठीक होंगी, अगेन यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी के नंबर भी अच्छे आएंगे, शेयर भी भागेंगे, सब कुछ होगा, तो यहाँ पर लगातार तेजी नहीं होती, लगातार गिरावट नहीं होती, इस चीज को याद रखिए। अब शायद चीजें ऊपर जाके कंसोलिडेट करें और फिर थोड़ी बहुत नीचे आए, और फिर उसके बाद जब रिजल्ट और अच्छे आना शुरू होंगे 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बाद, उसके बाद अच्छे रिजल्ट आने के बाद चीजें और अच्छी आएगी, तो यहाँ पर जो यहाँ भी फंसे हुए हैं उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, बायोन टिप्स कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर जो जिन जो ले रहे हैं वो बायोन टिप्स की रणनीति रखे, थोड़ा सा टाइम दे, और जो ये पैटर्न आप मैंने आपको दिखाया विजय केडीएसआर का, याद रखिए जो भी यहाँ पर बेच के चला गया उसने लॉस खाया, ओके, जिसने यहाँ बेचा वो उसने लॉस खाया, जिसने यहाँ खरीदा, ओके, वो आज भी प्रॉफिट में है, वो यहाँ भी प्रॉफिट में है, यहाँ पर देखिए उनकी वेल्थ केवल क्रिएट हो रही है, बेशक से यहाँ पर कम हुई है, बट यहाँ पर वेल्थ उनकी एज इट इज बनी हुई है, उतनी बनी हुई है, और अगेन यहाँ पर जो 16% की गिरावट हुई है वो अगेन 16% के अपसाइड यहाँ पर मूव दिखाती हुई नजर आएगी, तो चीजों को समझने की जरूरत है, ओके, यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत
जरूरत नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया, अगर अच्छी लगा ये एग्जाम्पल, आपको चीजें समझ में आई तो यहाँ पर लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि इस तरीके की चीजें आपको बताते रहे, ताकि आपका मोटिवेशन भी बना रहे, आप यहाँ पर मार्केट को एग्जिट ना करें, बल्कि यहाँ पर कोशिश करें कि अगर पैसा है तो खरीदे, अदरवाइज चुपचाप लेके बैठ जाए, ओके, पिच पे राहुल द्रविड़ की तरह यहाँ पर खड़े रहे दीवार की तरह, कि कोई हमें ना तो छक्का मारना है, ना चौका मारना है, और ना ही हमें आउट होना है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।